अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? तो ये देखो मेरी फाइजा रानी को, देखो तीन तीन छोटी रानी, देखो ये दो, आप पीछे घूम पीछे घूम, ये देखो ये देखो डाले तो तीन तीन डाले। और ये देखो मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, अभी ट्यूशन जाने का उसको, तो तैयार हो गई है वो। और ये देखो मेरे बेटे को, और आज तो देखो इन लोग क्या सुन रहे हैं, देखो मेरे आहत को आज हसबी रब्बी सुनने का था, है ना? हसबी रब्बी जन्नत। फायदा का ड्रेस देखो अच्छा लग रहा है, देखो घूम रही गोल गोल, कौन? तो देखो देखा ना आपने, देखे ना, देखो देखो फायदूरी को, ये देखा, ये दुल्हन है, मैं दुल्हन है। और फायदा कौन है नीचे का फराक? मैं। तू दुल्हन है? नहीं नहीं तुम ही दुल्हन, ये दुल्हन है। अच्छा तो चलो हाय करो, हाय करो, और ये मेरा प्यारा सा भाई है। पापा हाय बोलो, हाय बोल दो, हाय बोल लेना। वो तो अभी नाटक करने लगा, हाय नहीं बोलता, हाय बोल, हाय नहीं बोलता। तो चलो अभी तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, चलो हटो अभी, चलो बस हो गया लाड़ प्यार। हाँ तो अभी नहीं ना, टाइम नहीं हो बेटा, अभी 6:30 बज रहे, अभी आधा घंटा है ना, तो जब तक के तू दूध पी ले, फिर वहाँ पे रोई हुई तो दूध पी ले, नींद सोने का है देखते को। कैसे सोऊंगी वाला इससे पूछो, इसको देखो बोल रही कैसे सोऊंगी, चोटी तो बहुत अच्छी लग रही है, बता इधर, हमें पीछे की खोल देती, फिर सिर्फ आगे की चोटी में सो जा, रुक जा रुक जा फायदा, रुको इसका एक फोटो लेके फिर चालू करती, एक फोटो तो बनता है ना फायदा रानी तेरा। ये देखो फायदा रानी की चोटी, तो ये देखो अभी कपड़े पड़े धो के उठी, अभी फायदा को तैयार कर दी, आदो पापा को भी तैयार कर दी, आदो पापा तो देखो कैसे गोद से उतरने का तो नाम ही नहीं ले रहा, आदो पापा को तो छिपा गया ऐसा लग रहा हमारे। चलो मैं जा रही खाने में मम्मा बनाने का ना, चलो खेलो अपना अपना, चलो। तो मैं जा रही हूँ अभी पसिंदे बनाने, दाल बना ली हूँ, ये देखो दाल पक गई मेरी, अभी जा रही हूँ पसिंदे बनाने, चावल भी पक गया, अभी पसिंदे सिर्फ बनाने का है, पसिंदे बना लूँगी। पसिंदे तो एकदम इजी है, फटाफट बन जाते, देखो बनाने ही जा रही हूँ मैं पसिंदे, बाकी तो सब काम हो गए हमारे, पसिंदे थोड़ा बना लूँ फिर उसके बाद तो फ्री रहूँगी, फिर वो पीस भी बनाना है, तबीयत भी सही नहीं है, क्या क्या करेंगे, चलो देखते फटाफट कर लेंगे। तो ये देखो मैं आप लोग को बताती हूँ पसिंदे कैसे बनते हैं, तो मैं सबसे पहले इसमें हम लोग तेल डाल दिए, तेल को हल्का एकदम ज़्यादा भी नहीं गरम करना है, हल्का गुनगुना गरम कर कर फिर इसमें मैं वो डाल दूँगी अपना जो मैं मसाला पीस कर रखी, अदरक लहसुन हरी मिर्ची वगैरह सब पीस के रखी थी वो डाल दूँगी। तो मैं दिखाती हूँ मसाला, ये देखो मसाला, इसमें ना लाल मिर्ची पाउडर और कांदा नहीं डालते, बाकी दालचीनी गरम मसाला सब पूरा डालना है, ज़ीरा और वही अपना कोतमीर हरी मिर्ची सब डालने का। तो ये देखो तेल में हल्का गुनगुना ठंडा हो चुका है, अभी मैं इसमें मसाला डालूँगी, ये देखो मैं डालती हूँ बिस्मिल्लाह, ज़्यादा बिल्कुल गरम नहीं करना है तेल को, समझ लो एकदम हल्का हल्का ही गुनगुना ही करना है, बोली ना कि मसाला हमारे इसमें आवाज़ भी नहीं करना चाहिए, इतना गर्म रहना चाहिए। ये देखो हमारा मसाला अभी धीरे धीरे भुनेगा,
तो कमेंट में बताना कौन कौन पसंदे खाया है। मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ पसंदे, सब अपने अपने स्टाइल में बनाते, सबकी चॉइस अलग, पसंद अलग, टेस्ट अलग। मेरा टेस्ट अलग है, मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, बना रही हूँ, देखो अभी। अभी तो दाल दी मसाला, अभी मैं बताती हूँ सूखे मसाले में मैं क्या क्या डालती हूँ आपको। इसमें ज़्यादा मसाले डलते नहीं हैं, बस ये 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच मटन मसाला और ये हल्दी पाउडर, या इसे टर्मरिक पाउडर भी बोलते हैं, ये इसमें सब डाल देंगे बस। और कुछ भी नहीं है, नमक डालना है बस, कुछ भी नहीं डालना है, फटाफट बन जाता है, टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। बस थोड़ा अभी पसीने डालेंगे तो इसको पकने रख देंगे हम लोग, है ना। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है पसंदे, आप लोग के घर में पसंद है नहीं है, बताओ कौन कौन बनाता है अपने घर में पसंदे। मेरे घर में तो सब शौक से खाते हैं दाल चावल और पसंदे। मैं बताती हूँ पसंदे की बोटी कैसी रहती है ना। अभी ये स्लो पे आहिस्ते आहिस्ते अपना पकते रहेगा, इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ, पानी गोश्त डालेंगे ना, गोश्त का भी छुट्टा है ना, थोड़ा हम लोग ये मिक्सर का कप धो के ना इसमें पानी भी डालूंगी मैं। बहुत मज़ा आता पसंदे बनाने क्योंकि फटाफट बन जाता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं रहता। इसमें लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालना, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा, ये ग्रीन ग्रीन ही बनता है, सूखा बनता है। नहीं मैं दिखाती हूँ पसंदे, तो ये देखो पसंदे के ऐसे ऐसे लंबे लंबे गोश्त वाले टुकड़े देते हैं, और कितने बारीक है देखो, एकदम बारीक रहती है इसकी, वो लोग गोश्त पतला पतला काटते हैं ना, ये देखो एकदम पतले पतले। तो ये देखो आदो पापा देखो कैसे मट्टी खोद रहे, देख रहे ना आप लोग, देखो कैसे मट्टी खोदता, देखो। वो आधा फायजा ने खाई, अब आधा बेटा खाएगा, आधा बेटी ने खा ली, अब आधा बेटा, बस ना क्यों खोद रहा इतना। और वो 2 सैंडी वाली को देखो, हाँ 3 सैंडी वाली को, 3 सैंडी डाली हुई है, अब बहुत खुश है आज तो। क्या बात है बेटा, कुछ भी नहीं, कितनी खिलखिली की हंसी आ रही ना, अरे छोकरी। और ये देखो हमारी सास को, सलाम अलैकुम, कैसे है ना। ये देखो सर दुखाऊ मेरा बेटा, एक नंबर का, देखो कितना खोद रहा, बाप रे बाप। अरे तेरी चक्कर में मेरे को पसीने डालने का है, मैं जा रही, बाय बाय। चलो तो फिर इसको है ना हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अभी तो इसमें चर्बी उर्बी वाला गोश्त नहीं लेना, प्लेन ही गोश्त लेना। और इसको देखो ये किचन में बोलता खड़े ही मत रहो, क्यों क्यों क्या हो रहा, देखो देख कर कपड़े खींच के कहाँ लेके जा रहा, हाँ कहाँ चलने का बोल तो सही। चला अच्छा चल 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 ले, उंगली पकड़ो, चलो कहाँ जाने का तेको, कहाँ पे। अच्छा कार्टून लगा के दूँ, लगाती रुको, देखो इसको कार्टून लगा के देने का तो मेरे को लेके आया कपड़े खींच खींच के। ये देखो अद्दो बाबा नाचेगा, नाचो नाच दो जल्दी से, देखो ये लोग घर में देखो सिर्फ कितना पसारा करते मेरे बच्चे। ये देखो तकिया देखो फेंक के रखी है पूरा घर में, हाँ सिर्फ घान करो तुम लोग दोनों मिलके, आ हाथ गिरेगा बेटा, हाँ। तो ये देखो छोटे छोटे टुकड़े करी थी पसंदे के, एकदम
डाल दी, अभी पकते रहेंगे, ये पानी भी डाल दिया आधा गिलास, अभी पकते रहेंगे, फिर उसका भी पानी छूटेंगे गोश का, पकते रहेंगे। अभी मैं जाती हूँ जरा फायदे को फिर से तैयार करती हूँ। देखो छोटी मोटी खोल दी, मस्ती कर ली, मेरा दाल चावल पक गया, पसंदे भी बन जाएंगे, हो गया काम खत्म। इसलिए बर्तन बाकी है, बर्तन भी धोने का है, इसलिए बर्तन धो लूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? रहीम अरबिना के ब्लॉग में आपका वेलकम है। तो मैं सुबह से लेके अब सलाम कर रहा हूँ रात में आके काम पे से तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर कोई काम के लिए। बस जा रहे काम के लिए, दिखाते हैं वहाँ पहुँच के, है ना? नहीं दिखाते क्यों? ऐसा बोलेंगे ये देखो आदो पापा, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो जल्दी। तो देखा हम लोग ये शोरूम से लिए थे वॉशिंग मशीन, और एक हफ्ते का अभी अगले हफ्ते से देंगे। नहीं नहीं अभी अगले हफ्ते से देंगे। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। हम लोग वहाँ पे दुकान पर देखे, आप लोग ने लोन भरने गए थे ओवन का, भर दिए। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, तो कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब देखे हमारी वीडियो प्लीज़ देखो, और कैसी है कमेंट में ज़रूर बताओ। कमेंट एक आधी तो कमेंट करो बताओ तो सही कैसी लगी हमारी वीडियो, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो। हर वीडियो में बोलते, फिर बोल रही हूँ अभी सपोर्ट करो प्लीज़। तो चलो बाय बाय, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना।